टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम के बीच बुधवार 9 नवंबर को खेला जाएगा। इस मैच के आरंभ होने से पहले सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है और कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश करेगी। यहां हम आपको टी20 क्रिकेट के इतिहास में दोनों ही टीमों के बीच खेले गए पिछले मुकाबले और दोनों के वर्तमान परफॉर्मेंस को देखते हुए ये बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है और कौन सी टीम इस सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में प्रवेश करने की सबसे बड़ी दावेदार है। अगर हम दोनों के बीच टी20 क्रिकेट के इतिहास को खंगाले तो दोनों ही टीम अभी तक कुल 28 मुकाबले टी20 में खेल चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान की टीम को 17 मैच में जीत मिली है, वहीं 11 मैच में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिली है। अगर हम टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास को खंगालें तो टी20 वर्ल्ड कप में दोनों के बीच कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें न्यूजीलैंड को सिर्फ 2 में जीत मिली है जबकि पाकिस्तान को 4 मैच में जीत मिली है। तो वर्ल्ड कप के इतिहास में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। वहीं अगर हम दोनों टीम के वर्तमान परफॉर्मेंस को देखें तो टी20 वर्ल्ड कप 2022 में दोनों ही टीमें 5-5 मुकाबला खेली है और यहां 3-3 मैच में दोनों टीम को जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान की टीम को इस टूर्नामेंट में 2 हार का सामना करना पड़ा, वहीं न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की टीम अपने ग्रुप में 7 अंक लेकर नंबर 1 रही, वहीं पाकिस्तान की टीम अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की टीम अपने शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद अपने बचे हुए 3 मुकाबले एक तरफे अंदाज में जीती है। तो मेरे अनुमान से यहां पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है और इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम जीतकर फाइनल में प्रवेश करने की प्रबल दावेदार है। आपके अनुमान के अनुसार इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें।